तो देखते हैं, जो टॉपिक हम कर रहे थे वो कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ का, और वो कैसे होगा आइए एक बार उसको हम देख लेते हैं। राइट, तो इसमें हम जो बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, एलसीएम ऑफ वो फ्रैक्शन की बताएगा। एलसीएम ऑफ 4/11 एंड 12/33 एंड 20/44। तो एलसीएम किसका फाइंड आउट करना है, एलसीएम करना है किसका, 4, 12 एंड 20 का, और डिनोमिनेटर का क्या करना है, एचसीएफ 11, 33 एंड 44। तो राइट डाउन द आंसर, एलसीएम 4, 12 एंड 20 का क्या होगा। राइट आवर आंसर, व्हाट विल बी एलसीएम ऑफ 4, 12 एंड 20। एलसीएम आएगा इसका 60/2, है ना, क्योंकि आप जो है इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, कैसे ही 20 का डबल करें 40, तो ये डिवाइड नहीं होता है, बाकी नंबर डिवाइड नहीं करेंगे। 20 × 3 यानी हाईएस्ट नंबर को हम मल्टीपल करें तो हमें तब पता चलेगा। तो हम तो क्रॉस वाइज से भी कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। तो 20 का ट्रिपल क्या होगा, 60। जो 60 जो है, 60 सभी से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी 12 से भी, तो 60। और नीचे जो है एचसीएफ करना है, तो 11 जो सबसे छोटा नंबर हमने देखना है कि क्या सबको डिवाइड करता है, यस। तो इसलिए एचसीएफ जो है इसका जो एलसीएम है 60/11। राइट, इट इज ओके एवरीवन, यस। एचसीएफ ओ, अब इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ तो किसका करना पड़ेगा, राइट डाउन द एचसीएफ ऑफ 4/11, 12/33 एंड 20/44, यस। टेल मी अबाउट एचसीएफ, तो इसमें न्यूमरेटर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है? एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है, तो 4, 12 एंड 20 का एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटा क्या है इसमें, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट 4 है, तो 4 ही क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा इसका, न्यूमरेटर का एलसीएम क्या होगा, 11, 33 एंड 44 का बताएं। 4/1, 32, राइट, ठीक है। वो एचसीएफ ऊपर न्यूमरेटर का 4 आया, और नीचे जो एलसीएम 11 और 33 का एलसीएम तो आ जाएगा कितना, 33 आ जाएगा। और 33 एंड 44 का अगर करेंगे तो क्रॉस वाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 132, है ना। तो इसलिए इसका जो है 4/132। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू यू, है ना, इट इज क्लियर टू यू, है ना। ये आपका जो एप्लीकेशन बेस है, ये जो है ये विशेष आपने ध्यान देना है कि भी ये कम्पिटिटिव में भी बहुत आता है, कम्पिटिशन में आता है। राइट, है ना, तो इसको जरूर देखें जरा इस। ये मुझे लगता है सबको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े, है ना। इट इज अंडरस्टूड टू ऑल, सभी लिखिए यस और नो, सभी लिखिएगा, इट इज अंडरस्टूड टू ऑल, सभी लिखें। कईयों की डिमांड थी, ये पूरी कर दी है कि भी हमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताइए, तो वो कंप्लीट हो गया है ना। तो आइए एक जो टॉपिक है जो कि मुझे बताना चाहिए आपको लास्ट को, और वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। राइट, है ना, तो ये इसका अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, और फिर इसको एंड इस सेशन का, आपके जो क्लासेस का एंड आज करते हैं। राइट, ठीक है।
तो इसको देखते हैं लास्ट एंड फाइनल टॉपिक फॉर दिस सेशन। तो क्या है, मैं लिख रहा हूं आपका जो है टॉपिक का नाम क्या है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस। लीनियर इक्वेशन है ना, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आपका टॉपिक है ना। ये इक्वेशन में आपका जो है आता है, तो ये मैं आपको बताता, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके एग्जांपल के थ्रू मैं ये बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व इट, राइट। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, दो और वन थर्टी 32x प्लस 121y इज इक्वल टू 484, राइट। ठीक है, दूसरा लिखे 53x प्लस 230y एट 52। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कैसे करना है देखिएगा। आप जो करेंगे वो कैसे करेंगे, आप तो कैसे करेंगे बताइए जरा, हाउ टू सॉल्व इट। अगर आपको अरिथमेटिक नहीं आता है तो कैसे करेंगे, इस लिखो एक बार जरा, हाउ टू सॉल्व इट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, एलिमिनेशन से, राइट, एलिमिनेशन से है ना। एलिमिनेट करेंगे एक वेरिएबल, राइट, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो नंबर जो है कॉफिशियंट है काफी बड़े बड़े, अगर आपको इक्वेट करने पड़ेंगे तो 32 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन से, है ना, तो कि बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 53 से, और फिर इसका जो आंसर आएगा जो भी आएगा, तो मैं ये कहूं कि इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4 आए, तो आप कहेंगे यस, ये तो बहुत ही सरप्राइज है, कहेंगे सर आपने तो कोई रट्टा मारा होगा, ही है क्रैमिंग की होगी। तो ऐसे नहीं, हाँ आई हैव टू इवेलुएट, और मैं इसको इवेलुएट करके ही जो है बता रहा हूँ, इसका आंसर जो है x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 4 है, और मैंने इसको इवेलुएट करके किया है, तो आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो कैसे करना है देखिएगा, मैंने इसका आंसर निकाल लिया है, आप जो है वैल्यू रिपोर्ट करके देख सकते हैं यहाँ पर, यस इट इज करेक्ट है ना, एक्स की वैल्यू 0 रखो और वाई की वैल्यू 4 रखो, है ना, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कहेंगे सर पहली बात बुझाओ, पहले बताइए ये निकाला कैसे, तो वो हम जो है इसका आंसर निकाल ये बता रहे हैं, यस। तो इसका जो सूत्र है वो मैं लिखता हूं, वो आपको ध्यान में रखना है, अनुरूपे, अनुरूपे शून्यमन्नन, शून्यम शून्यम मन्नत, हिंदी में मैं लिखूं अनुरूपये, अनुरूपये, अनुरूपये शून्य मन्नत, यानी इसका मतलब क्या है, एक का अनुपात सेम होने पर
इफ द रेशियो इफ द रेशियो इज सेम द अदर इज जीरो, ये इसका मतलब है, द अदर इज जीरो है ना, ठीक है। सो इसका मीनिंग है, एक शून्य होने पर, एक का रेशियो सेम होने पर दूसरा शून्य हो जाता है। अब देखो यहाँ रेशियो किसका सेम हो रहा है, रेशियो का मतलब क्या है कि या तो लिसन, या तो जो है कॉफिशेंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, या तो ये होगा रेशियो सेम, या कॉफिशेंट ऑफ वाई रेशियो कांस्टेंट, ये आपका होना चाहिए। अब ये देखो आप यहाँ थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो जो इसका जो रेशियो है आप देख रहे हैं कि वाई का जो और कांस्टेंट टर्म 1:4 आ रहा है ना, 121:484, तो ये 1:4 आ गया, और ये 213, और ये भी जो है रेशियो 852, ये भी 1:4 है, दोनों का रेशियो सेम है। अगर एक ऑप्शन का रेशियो सेम है तो दूसरा जीरो हो जाएगा, यानी एक्स जीरो हो जाएगा। यहाँ पर वाई का रेशियो इक्वल है, तो वाई का रेशियो इक्वल है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, और वाई का रेशियो जो आया वो आंसर होगा, क्या रेशियो आया, 1:4, तो ये 4 ही आंसर है इसका, राइट। तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू, ये आंसर। तो रेशियो इक्वल हो गई थी दोनों की, रेशियो रेशियो इक्वल होने पर तो ये जो है वही आंसर होता है, जो रेशियो इक्वल होता है वही आंसर होता है वाई। अगर वाई की रेशियो इक्वल है तो वाई का आंसर आ जाएगा, अगर एक्स की रेशियो इक्वल है तो एक्स का आंसर आ जाएगा, राइट। बाकी दूसरा जीरो हो जाएगा तो कुछ भी लिखा हो। नाउ इट इज अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और वो देखेंगे। फोर्टी वन एक्स प्लस 32 वाई इज इक्वल टू ये लिखिए 96, और 59 एक्स प्लस 63 वाई और 189 है ना। तो बताइए व्हाट विल बी एक्स एंड वाई, राइट डाउन एक्स एंड वाई, व्हाट विल बी एक्स एंड वाई। वेरी गुड वेरी गुड, 0 एंड 3 है ना, 0 एंड 3, एक्स 0 है वाई 3 है, वेरी गुड। आप देख रहे हैं इनका जो रेशियो सेम है 1:3, यहाँ 1:3, आपने देखो कितना फास्ट बता दिया, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपने क्रैमिंग की हो, जैसे रट रखा हो, लेकिन आपने कैलकुलेट किया है ना। तो दूसरा एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आप बताएंगे ठीक है उसका क्या होगा। मैं लिख रहा हूँ 213 एक्स प्लस 715 वाई इज इक्वल टू 1065, ठीक है। 115 एक्स और प्लस 823 वाई इज इक्वल टू 575, नाउ व्हाट विल बी एक्स एंड वाई, टेल मी व्हाट विल बी एक्स एंड वाई। अरे अब व्हाट विल बी एक्स एंड वाई,
5 एंड 0, यस। सहमत हैं सभी? लिखिएगा सभी इसका आंसर। यस, आंसर सभी लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू ऑल, क्योंकि इसमें देखें एक्स का जो कॉएफिशिएंट है और उसका कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो सेम है दोनों इक्वेशन। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई है, और दूसरा अनुरूप है शून्य मान, दूसरा शून्य हो जाता है, राइट, अनुरूप है शून्य मान। तो आई थिंक इट इज द अंडरस्टूड टू ऑल। अंडरस्टूड बेटा? यस और नो लिखेगा, यस और नो। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया है। यस, सो हाँ बेटा, जो ये आपको बताया गया है, जो समझाया गया है, आप जो है उसको रिवाइज कर लें। अब ज्यादा टेंशन ना लें हो, और मुझे अगर आपको कोई लगता है फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर देना, आई विल हैंडल दैट। और फिर भी कोई मेरे जो है मेरे बिहाफ पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो अब आपके बिहाफ पर भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आप जो है इसको थॉरली आप जो करके आएंगे उसको आप इवेल्युएट करना, आपने करना है, और उसको कैसे किया है वो उसको अपने वे से उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी सब बातों का ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए, ठीक है। अब इसको हम सेशन पॉइंट करें। बताएं जरा, कोई अगर कोई डाउट हो तो बात कर सकते हैं। तो बेटा एंड करते हैं, और जो है टाइम टू टाइम कोई भी आपको समस्या आती है आगे और आगे इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना, और कहीं ना कहीं हम लोग इसके लिए आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे आगे भी, और आपको अपॉर्चुनिटीज जो है इसकी अवेलेबिलिटी करवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारो एग्जाम, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट, प्लीज सी यू अगेन।